दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में बुधवार रात हुए हंगामे को लेकर पुलिस अधीक्षक एस के सोमवंशी ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने घायल के साथ कोई मारपीट नहीं की, ग्रामीणों ने उसे छुड़ाने के लिए हंगामा किया है। दरअसल एसपी ने कहा है कि घायल गुड्डा केवट को जुआ के मामले में गिरफ्तार किया था और गांव के लोगों ने हंगामा कर गुड्डा को थाने से छुड़ाने की कोशिश की थी, जिस पर शासकीय काम में बाधा का मामला दर्ज किया है। वहीं पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज इसके साक्ष्य है। कुल मिलाकर पुलिस ने अपना दामन साफ बताया है। अब देखना यह होगा कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में क्या निकल कर सामने आता है। दिनांक 5 जून की शाम को थाना तेंदुखेड़ा में थाना प्रभारी को मुखबिर सूचना के आधार पर ये पता लगा कि एक क्षेत्र में जुए की फड़ बैठी हुई है, जहां पर लोग कुछ लोग गांव के लोकल लोग जुआ खेल रहे हैं। वहीं पर थाना प्रभारी और उसकी टीम द्वारा रेड करने पर कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके नाम धर्मेंद्र केवट, चरण सिंह लोधी, डाल सिंह लोधी और दुर्गा केवट, गुड्डन पुत्र दुर्गा केवट। इन 4 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस इनको थाने पर लेके आई और अपनी वैधानिक कार्रवाई शुरू कर रही थी, तब तक आसपास क्षेत्र के गांव के कुछ लोग थाने पर इकट्ठे हुए। उन्होंने वहां पर इसको, जो गुड्डा केवट है, इसको थाने से छुड़ाने का प्रयास किया और कुछ महिलाओं और कुछ पुरुषों ने थाने में घुस के ये अवैधानिक कार्य करते हुए इस आरोपी को थाने से छुड़ा लिया और अपने साथ ले गए। इसके बाद इन्होंने उसको अस्पताल में भर्ती करवाकर ये मिथ्यापूर्ण बात को फैलाने का प्रयास किया कि पुलिस के द्वारा उसकी पिटाई की गई है और वो अत्यंत चोटिल है, इसलिए उसको अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। जबकि ऐसी कोई भी मारपीट किसी भी व्यक्ति के साथ पुलिस द्वारा नहीं की गई, केवल पुलिस द्वारा यह वैधानिक कार्रवाई की गई थी कि जुए में संलिप्त जिन लोग को पकड़ा गया उनको थाने पर लाकर उनके खिलाफ FIR की जा रही थी। पुलिस की तरफ से किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं किया गया है। डॉक्टर्स की मेडिकल रिपोर्ट में भी यही आया हुआ है कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। इसके पश्चात थाना तेंदुखेड़ा में एक जुए की FIR की गई है, जिसमें 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा एक शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की भी FIR की गई है, जिसमें थाने में घुसने वाले लोग, जिन्होंने थाने में घुस के हंगामा किया है, उनके खिलाफ भी एक FIR की गई है, जिसमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त जो भी CCTV फुटेज हैं और वीडियोग्राफी में प्राप्त वीडियो हैं, उनके आधार पर लोगों को शिनाख्त करके उनको FIR में पंजीबद्ध किया जाएगा। थैंक यू।